गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के डीएम पब्लिक स्कूल के संचालक चौधरी राजेंद्र सिंह ने नेकी की दीवार का शुभ आरंभ। जरूरतमंद लोगों को या छात्र छात्राओं को किताबें व वस्त्र की व्यवस्था भी की गई। अगर किसी पर वस्त्र या किताबें फालतू हैं तो नेकी की दीवार पर उन्हें देकर आ सकते हैं। डीएम पब्लिक स्कूल के छात्र और छात्राओं ने अग्निशमन केंद्र की दीवारों पर पेंटिंग कर वाहन चलाते समय सीट बेल्ट, हेलमेट आदि वाहनों की पेंटिंग कर लोगों को दिया संदेश, जिसका उद्घाटन एसडीएम गढ़मुक्तेश्वर विजयवर्धन तोमर ने किया। इससे इलाके में हर्ष का माहौल है। हापुड़ से अनुज चौधरी की रिपोर्ट। आज डीएम पब्लिक स्कूल द्वारा एक बहुत ही सराहनीय काम किया गया है। यहाँ पे एक नेकी की दीवार की स्थापना की गई है। क्या उद्देश्य है इसका? ये उद्देश्य है कि जो भी हमारे परिवार में घर में जो फालतू कपड़े होते हैं, जो जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते, घर में पड़े रहते हैं और ढेर बनता चला जाता है, उसके लिए करा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ फालतू कपड़े, किताबें यहाँ पे दान कर सकता है और जो गरीब जरूरतमंद है यहाँ से निःशुल्क यहाँ से अपना ले जाते हैं, जिसको जो अपना साइज़ के हिसाब से जिसको जो कपड़े चाहिए। गरीबों के लिए बनाया गया बेसिकली ये कि जो भी कपड़े जिनके पास कम है सब चीज़ के वो यहाँ से ले आ सकते हैं। इस तरह के किताबों के लिए भी बुक बैंक बनाया जा रहा है कि घर में इस्तेमाल हो चुकी किताबों का जो हम लोग अब आगे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमारे घर में ढेर लगता चला जा रहा है, कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो यहाँ पे दान दे सकते हैं जिसको जरूरतमंद बच्चों के लिए उसको हमने इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी पहल किसने की है सर? ये डीएम पब्लिक स्कूल के जो मैनेजर साहब हैं राजन सिंह जी, उन्होंने इसका एक महीने पहले एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे। ये बड़े शहरों में है, यहाँ पे गढ़ क्षेत्र में पहली बार हो रही है, तो उन्होंने फिर ये पहल करी है, उन्हीं के प्रयास है, इसी वजह से नेकी की दीवार स्थापित हो पाई। राजेंद्र कुमार, मैनेजर देव मेमले ट्रस्ट की ओर से, शाहपुर रोड पर ये स्थित है। हम लोगों ने अपने ट्रस्ट की ओर से एक नेकी की दीवार की शुरुआत की है। इस पे आपके पास किसी के पास भी कोई पुराना सामान हो वो यहाँ जमा कर जाए, दे जाए, और किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत हो तो यहाँ से ले जा सकता है। इसी का नाम नेकी की दीवार हमने यहाँ से स्टार्ट करी है, जो गढ़ में दो चार जगह और भी बनाएंगे और किसी गरीब को सहायता होगी, किसी के पास एक्स्ट्रा सामान पड़ा है तो वो हमें देगा।